जय श्री राम, जय हनुमान। आज की अयोध्या कांड कथा कुछ इस प्रकार है। अनुचित आज कहब अस मोरा, सो के सने है सयानप थोरा। सुनि सुर सरी सम पावन बानी, भई सने है बिकल सब रानी। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है, शोक और स्नेह में सयानापन कम हो जाता है। कौशल्या जी की गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह के मारे विकल हो उठी। कौशल्या कह धीरे धरी, सुनहु देव मिथिलेश, को विवेक निधि बल भई तुम्हें सकही उपदेश। कौशल्या जी ने फिर धीरा धरकर कहा कि हे देवी मिथिलेश्वरी, सुनिए, ज्ञान के भंडार जनक जी की प्रिया, आपको कौन उपदेश दे सकता है। रानी राय सन अवसर पाई, अपनी भांति कहब समझाई। राखई लखन भरत गब नहीं बन, जो यहाँ मत माने महीप मन। हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहाँ तक हो सके समझाकर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत वन को जाए। यदि राय राजा के मन में ठीक जग जाए तो भले जतन करब सुविचारी, मोरे सोचु भरत करे भारी। गूढ़ सने भरत मन माही, रहे नीक मोहि लागत नाही। तो भली भांति खूब विचार कर ऐसा यत्न करें, मुझे भरत का अत्यधिक सोच है। भरत के मन में गूढ़ प्रेम है, उनके घर में रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। यह डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय न हो जाए। सीख लख सुभाव सुनी सरल सुबानी, सब भई मगन करुण रस रानी। नभ प्रसून झरी धन्य धन्य धुनी, शिथिल स्नेह सिद्ध जोगी मुनि। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुण रस में निमग्न हो गईं। आकाश से पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए। सबुरा निवास भी थकी लखी रहे हूं, तब धरि धीरे सुमित्रा कहे हूं। देवी दंड जुग जामिनी बीती, राम मात सुनी उठी सप्रीति। सारा रनिवास देखकर थकित रह गया, निस्तब्ध हो गया। जब सुमित्रा जी ने धीरे धर के कहा कि हे देवी, दो घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी। बेगी पाँव उधा रही थले, कही सने सती भाए, हमरे तो अब ईस गति कह मिथिलेश सहाय। और प्रेम सहे सद्भाव से बोली, अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए, हमारे तो अब ईश्वर ही गति हैं, अतः मिथिलेश्वर जनक जी सहायक हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। आज की अयोध्या कांड कथा में बस इतना ही। हर हर महादेव।